रणवीर सिंह को छोड़ दीपिका पादुकोण ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ साइन की फिल्म। बीते दिनों खबर आई थी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण साल 2019 में किसी भी फिल्म में साथ नजर नहीं आएंगे, जिससे इनके फैंस को बेहद अफसोस हुआ था कि ये सुपरहिट जोड़ी पर्दे पर अब लंबे समय के बाद नजर आएगी। जब से दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हुई है, ये सवाल अक्सर सामने आता रहा है कि अब बाजीराव मस्तानी की जोड़ी किस रूप में दर्शकों का मनोरंजन करती दिखेगी। पर इसी बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के बजाय अभिनेता रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म साइन की है और बहुत जल्द इस फिल्म की शूटिंग का काम शुरू भी हो जाएगा। इस खबर से रणवीर सिंह के फैंस को झटका लग सकता है, पर रणबीर के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है। रणबीर और दीपिका की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते रहे हैं। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म तमाशा में नजर आए थे। इससे पहले दोनों अयान मुखर्जी की फिल्म यह जवानी है दीवानी में दिखे थे और इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप के बाद अब फैंस ने इस जोड़ को साथ में देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यह जोड़ी लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई थी। दीपिका और रणबीर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कहा जा रहा है कि रणबीर और दीपिका जल्द ही लव रंजन की अगली फिल्म में एक साथ देखेंगे।